हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू नदर ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं लाल डिग्गी जो कि अलवर में है, और लाल डिग्गी की जो हिस्टोरिकल बातें हैं वो बताने वाला हूं, और ये किसने बनवाई थी और किस लिए बनवाया था और जो कितना साल पुराना है सब बातें आज मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर एक मंदिर भी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉग अनटैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। अभी मैं लाल डिग्गी के मेन मतलब एंट्रेंस पा चुका हूँ, यहाँ से मेन गेट है, और जो लाल डिग्गी का पूरा बाउंड्री है सब पार्क से बना पड़ा है बहुत दूर तक, और ये ना मेन रोड पर है, जस्ट ये मेन रोड है सामने आप देख सकते हैं जस्ट इधर, और यहाँ पर बहुत सारी काफ़ी सारी बस खड़ी हुई हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं लाल डिग्गी के अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा ये कैसा है, और काफ़ी बढ़िया है कहते हैं इसमें पानी इकट्ठा भी होता है। तो चलिए देखते हैं पानी अभी है या नहीं है। अभी मैं एंटर हुआ और अंदर मुझे ये दिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों को प्यार से पालें तो ही उसका लगाएं, फ़ोटो के चक्कर में नर्सरी में पल रहे किसी पौधे की हत्या न करें, फ़ोटो खिंचवानी है तो पौधों में टैंकर से पानी देते खिंचवाएँ। सो ये बातें काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ दोनों तरफ एक तरीके से गैलरी टाइप है, मतलब घास वास उग रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं अभी, आपको यहाँ से ऊपर से रास्ता है। तो गाइस कुछ इस तरह का है लाल डिग्गी का, ये देख सकते हैं सामने आप पूरा पानी से भरा हुआ है। अभी इतना पानी नहीं है जो आप बीच में देख रहे हैं, ये यहाँ तक भर जाता है पर अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है। चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये है लाल डिग्गी का, और अभी इसमें पानी कम है, बारिश की वजह से आता है, और इसमें पानी कहाँ से आता था मैं आपको बताता हूँ। पहले आप उसका पूरा एक बार व्यू देख लीजिए कैसा है ये चारों तरफ से, कुछ इस तरीके का है। और वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लाल डिग्गी का पूरा, लोग यहाँ पर चुग्गा भी डालते हैं पक्षी के लिए, और हम तो लाए नहीं, पता नहीं था कि चुग्गा भी डालते हैं, तो कोई बात नहीं। तो गैस अभी आप ये जो देख रहे हैं सामने, इसे हम नहर बोल सकते हैं, क्योंकि गैस ये जो पानी है ना इसमें पानी मतलब जहाँ से आता है वो सिल्ली सेठ जगह से आता है, और ये जो नहर है सीधा सिल्ली सेठ जाती है, और वहाँ से पानी आता था मतलब 27-28 किलोमीटर दूर है यहाँ से सिल्ली सेठ, वहाँ से पानी आता है और इसमें आके भरता था। पर अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, अभी बारिश का पानी भरा हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा भी है। यहाँ पर पहले यहाँ से पानी आता था और सिल्ली सेठ से आता था और यहाँ पर आके भरता था। मैं आपको भी पूरी बात बताता हूँ कि ये किसने बनवाया था। जो ये लाल डिग्गी है इसका जो निर्माण कराया था महाराजा जय सिंह ने कराया था, और ये इसलिए कराया था क्योंकि उनके जो जानवर थे उनको पानी पीने के लिए बनवाया था, जो पानी पी सके और जिस सिल्ली सेठ से जो पानी आता था वो पी सकें, और इसलिए बनवाया था। पर अब वो पानी बंद हो चुका है आना, तो इस यहाँ पर बारिश का पानी आता है इसलिए इकट्ठा हो जाता है, और इसकी मतलब अभी बहुत गंदा है। ये कुछ 400 से 500 साल पुराना है। तो कुछ इस तरीके का लाल डिग्गी का पूरा व्यू देख सकते हैं, मैंने आपको बताया जैसे सिल्ली सेठ से आता है पानी, तो कुछ इस तरीके का लाल डिग्गी, और उसमें कुछ दिखाने का है नहीं, और चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं आप नीचे उतर सकते हैं, पर नीचे इतना गंदा पानी है उतरने का मन नहीं करेगा। और मंदिर भी आपको मंदिर भी दिखाता हूँ। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ से पानी आता था, और ये सीढ़ियों के ऊपर से आप वो देख रहे हैं नीचे होते हुए निकलता था पानी सिल्ली सेठ का, पर अब आना बंद हो चुका है। पर आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है पूरा व्यू, और ये जस्ट रोड पर ही है, मैंने आज तक मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा था, और मतलब ऐसे दिखता है कि इधर रोड पर भी है क्योंकि बहुत सारी बस खड़ी रहती थी, पर सही है यार ज़्यादा बुरा भी नहीं है अगर साफ़ सफाई करें और पानी और भरे तो बहुत भी अच्छा लगे। मंदिर ये तो बंद है, इधर से आपको दिखा देता हूँ। सो मंदिर तो बंद था, और ये चलो बस यही था, अभी चलते हैं बंद अपने घर। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अभी नेक्स्ट ब्लॉग भी आ जाएगा अभी एक दो दिन के अंदर अंदर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को यार, प्लीज़ आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, और एक लाइक करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। और सामने जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं सारी अरावली माउंटेन्स हैं, अलवर पूरी तरह से घिरा हुआ है, और अगर आप गौर करते हो ऊपर देख रहे हैं ये बाला किला है, बाला किला अलवर से कहीं देख सकते हो आप, कहीं भी जगह से देख सकते हो बाला किला ऐसा दिखेगा। और अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है था तो आपको आई बटन में आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना गाइस। तो कुछ इस तरीके का था, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।